मुझे ये वाला खा लेता हूँ मैं। मामू को, मम्मी को, आई डोंट वांट, नो, आई डोंट वांट, थैंक यू सो मच। मामू को मैं कुछ दिए, मैं ना मैंने तेरे को दिना रूई, देख ले मैं नहीं दूंगा ये कुछ भी खाने, मैंने देता ही। अब हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? हम भी एकदम ठीक ठाक हैं और रूहान एकदम मस्त है। और मेरी आवाज़ अभी थकी थकी सी इसलिए आ रही है क्योंकि आज यार इधर बंदर आए हुए हैं नीचे, ये सामने भाग रहे हैं मतलब पेड़ों में इधर उधर। और अभी घर पर मम्मी नहीं है, मैं ही हूँ रूहान के साथ। तो धुआं दे रखा है धुआं इन्होंने। अरे यार ये बंदर इतने परेशान करते हैं ना, और पता है ऊपर से इतने वो मतलब डरते बिल्कुल भी नहीं है, देखना फिर भी यहीं पे झूल रहे हैं। रूहान कहाँ है यहाँ बेटा? यहीं खड़े रहो मंकी, यही नीचे ढेर सारे बिट्टू, देख बहुत सारे मंकी आए हैं, है ना? बच बच यहीं खड़े रहे, यहीं कुत्ता यहीं रहे, जोर से कर, जोर से कर, चो भाग गए। यस, तो ये हमारा जो प्यारा सा रूहान है अभी खड़ा है इधर, आगे नहीं जाना होता वो। जोर से कर, जोर से, ऐसे बोलो मेरे नानी के बगीचे में मत आओ, बोल ऐसे बोलो मेरी नानी का बगीचा होता है ये, यहाँ नहीं आओ। हाँ ऐसे बोलो, है ना? तो रूहान भी चोचो कर रहा है और नज़ारे यहाँ के बिल्कुल मस्त हैं। अभी अभी मैं आपको बंदर दिखाती हूँ, ठीक है? अगर दिखेंगे तो ये देखना जो ये टहनियाँ हिल रही है ना यहाँ पे, बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे देखना टहनियाँ हिल रही होंगी। तो यहाँ पे ये बंदर है ना, ये देख बड़े पेड़ पर जा रहा है, दिख रहा है यहाँ जैसे, देख यहाँ जैसे बैठा है ये, देखो जोर से कर, जोर से, शाबाश शाबाश शाबाश, चो दूर 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 गिर जाता है वो, पिछड़ पीछे से हट जा, बस पीछे बिल्कुल पीछे हो जाओ, जोर से बोल, जोर से बोलूंगा तब बोलूंगा, तब बोलूंगा जब मंकी आएंगे। अभी नहीं आए हैं मंकी, तो कहाँ गए अभी मंकी? दूर 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 पीछे हो जाओ। हाय पसीना पसीना हो गया, बंदर भागने का नाम नहीं ले रहे हैं। बंदर आ गए नीचे, रुई बोलो ना, नहीं बंदर आ गए नीचे। मजे आ रहे हैं इसको, अंदर चलते हैं अब, अंदर चलते हैं अब, चलो अंदर चलते हैं, चलते हैं अंदर, आएंगे ये बंदर, आएंगे हमें खाएंगे बेबी, हमें खा जाते हैं ये। उठो लक्कड़ देख, हाथ में पकड़ा है लक्कड़ तूने, उठ चल, चलो अंदर। हाँ तुझसे डरेंगे, ये मुझसे नहीं डर रहे हैं। डॉली मैजिक को परेशान नहीं करना है, मत मत, ये हमारी डॉली बेबी अभी सो रही है, रेस्ट कर रही है ना डॉली, कुतु कुतु बेबी, नो नो, चल भुतू चल, बाय डॉगी, बाय डॉगी, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, बाय बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अंदर। इस गंदे बच्चे ने एस्ट्रे बाहर निकाली है और आवाज सुन रहा है नीचे, है ना बिट्टू? ये एस्ट्रे क्यों लाई आपने? इतना जाने का स्टाइल देखना इसका, बदतमीज इसका। ओए रखो उसको अंदर, नाना पिटी करेंगे आपकी, बोलेंगे नाना की एस्ट्रे क्यों निकाली है, रखो उसको अंदर। भगा इनको, चोचो कर, चोचो कर, क्या दूं, क्या दूं ये, क्या दूं, चल चल
अरे यार बंदर है बीबी, जा नहीं रहे हैं, क्या किया जाए इनके साथ, आप बताओ चोचो की जाए। दोस्तों यहाँ नीचे मेरी मम्मी अभी छैन को गई है छनौटी के लिए, क्योंकि जैसे हमारे खुड होते हैं ना गाय के लिए, उसके लिए छैन लाना पड़ता है। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये ऐसे हमने छनौटे लगाए होते हैं छैन के, तो बस मम्मी अभी उसको ला ही रहे हैं। लेकिन बुरी बात ये है कि वो देखो सामने जो ये आप देख रहे हो ना, ये बारिश आ रही है बहुत ज़बरदस्त, और ये देखो यहाँ तक ये बारिश पहुँच गई है। अभी धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर आ रही है, लेकिन मम्मी अभी अभी गए, पता नहीं भीगते हुए आ जाएंगे यार। देखो ऊपर देखो, ये जो सामने आप देख रहे हो ना, मैं उंगली नहीं कर रही हूँ, ये जो टॉप में है जगह, ये हमारे जो हमारे इष्ट देव हैं धोनी नाग जी, उनका टीला है। और देखो बारिश, ये देखो बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है देखना। और यहाँ पे अभी बारिश शुरू हो रही है, देखो हल्के हल्के से छींटे पड़ रहे हैं अभी, लेकिन जो ये हैवी रेन है वो बस पहुँचने ही वाली है, यहाँ पे पहुँची है। अब मम्मी पता नहीं कितनी जल्दी कर सकते हैं, मम्मी जल्दी करा, मोगी भी लगा मुझे यार, लेकिन ये सूखे नहीं है। मतलब आजकल बरसात में क्या होता है कि हर कभी धूप और हर कभी पानी, तो अभी हवा चल रही है, आ गई यार बारिश आ गई, मौसम देखो ना जबरदस्त हो रखा है ना, डेंजरस वाला। OMG नूई, और इसको देखने गाने सुन रहा है नानी के फोन में, फिलहाल हम मम्मी के इंतजार में है। देखो अभी तो घास भी निकालने को है, पता नहीं बारिश रुकेगी कि नहीं, उसके बाद घास के लिए भी जाना पड़ेगा। बारिश मौसम, ओ भगवान, दिख रही होगी बारिश हल्की हल्की से भी आ रही है, लेकिन अब आएगी बहुत तेज और एकदम टेढ़ी बारिश आ रही है। चलो हमें कपड़े उठा ही लेते हैं यार, थोड़े बहुत सूख गए, पता चले ये भी गीले भी जाए। रुक जा, चल चल चल, रूम में छोड़ी, रूम में छोड़ के आ जाए जल्दी। और शैतान की शैतानी देखना, पानी में मच्छर बाहर गिल्ले हो जाते हैं वहां पे। क्या सुन रहे हैं आप, कहाँ गई नानी, क्यों गई नानी नीचे, पूरा भीगते हुए आएंगे अब। आजकल ऐसा होता है ना दिन में, मतलब अगर तुम 10 ड्रेसें भी बदल दो ना, वो भी कम होती हैं। जैसे घास को जाना तब कपड़े गंदे, कुछ और चीज़ करो तब गंदे, उतने बारिश हो जाती है कभी धूप फिर बारिश, मतलब ऐसे ही होता है घर में, तो ऐसे ही होता है भाई। अरे डॉली बेबी साथ में भीग रही है, पीछे हो जा, आ गई नानी, आ गई है, हो जा पीछे। और ये चाय का गिलास, अब बोल ऐसा बोल रहा था रूहान कि हाय गाइज रात हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ कहाँ, किचन में, क्यों रूम में, रूम में, रूम में, किसके रूम में, नाना के रूम में, नाना के रूम में जा रहे हैं, क्यों है? अच्छा 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 शैतानी करते हैं, करो डांस करो तब। क्या नहीं हो रहा है, मत कर बंद, क्या हो रहा है इसको भाई, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे प्यारे से रूहान को। तो दोस्तों मेरी मम्मी बना रही है रोटी, सब्जी मैंने फिलहाल बना दी थी, खाने का आ रहा है मजा, किसको आ रहा है खाने का मजा, अभी खाई नहीं किसी ने, है ना। कितनी रोटियां बना रहे हैं आप, जितने मन करे उतने है। और मैं आराम से लेटी हुई हूँ, ऐसा मत समझना, मैंने सब्जी सब्जी पहले बना दी थी और फिर मम्मी को रोटी बनानी है तो रोटी बना रहे हैं, है ना। अभी आज हम अपने, ये हमारा ना चूल्हा है यहाँ पे, तो ये वाला लोहे का चूल्हा हमने लगा रखा है, तो आज चूल्हे पे रोटी नहीं बन रही है क्योंकि बारिश की वजह से लकड़ियाँ जो हैं वो पूरी पूरी गीली हो गई थी, और अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम जुगाड़ लगा पाए, इसलिए मम्मी गैस पे बना रही है अभी। और ये प्यारा सा रूहान पता नहीं क्या कर लिया, माली बेबी पता नहीं कहाँ भागती रहती है, भागती रहती है इधर से उधर से, भागती रहती है, भागती रहती है बुतू। तो ये हमने यहाँ पे सब्जी बनाई है आज, आज मैंने बनाई है
आलू और क्या होते हैं इसको, बढ़िया, हाँ बढ़िया जो होती है ना सिप्पू बड़ी, उसकी सब्जी बना रखी है। और यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है फुलके, इनके फुलके बिल्कुल भी गोल नहीं है, तो फुलके इनके ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े, ज़्यादा गौर मत फरमाना। अच्छे अच्छे, ये बहुत गंदे है, नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबकी सेहत बनी है, है? चिमटा के पास आ रहे बदतमीज से, मैं अभी बात कर रही हूँ, बाद में नहीं करती। मजाक कर रही है, मेरी मम्मी को ना मजाक करने का शौक है, तो मजाक करते हैं ज्यादा, खाना कम, काम कम करते हैं, मम्मी काम करती है मजाक ज्यादा करती है। और ये रोटी फट गई है देखो, पता नहीं 40 साल सर्विस में रह के भी ये रोटी बनाना क्यों नहीं सीख पाए, नहीं सीख पाए, नहीं सीखा, बहुत अच्छी बनी है, बोल। अच्छा हाँ जी ठीक है, बनाते रहो। इस प्यारे सी बेबी को देखना ये कहाँ पे बिजी है, रुहान कहाँ बैठ गए आप, तो जो ये पाटला जैसा है ना, मतलब सिटिंग का जो है, ये रुहान की मेहरबानी ही है कि जो ये टूट पाया है, और अब इसने इसको उल्टा करके इसके अंदर से इसको बैठने में मजा आता है बहुत। और ये सामने इसकी मुन्नी बैठी है, भूतनी की तरह लग रही होगी, लेकिन ये भूतनी नहीं है, मुन्नी है, है ना, है मुन्नी, मुन्नी है कि नहीं है, है ना, है मुन्नी। हे भगवान, ये देखो ये वो बात हो गई, नजर हटी दुर्घटना घटी वाली, रुहान इतने बदतमीजी तरीके से, देखने इसके हाल, देखने इसके हाथ, देखने छोटे छोटे हाथ, देखने इसके, देखने इसके हाथ, ओ गुरखे व्हाट आर यू डूइंग बेटा, ऐसे नहीं करते, छार होता वो, राख बोलते हैं इसको, पारे ऊपर होंगे तोड़ते हो क्या, मम्मी ये सिलाई पोछा जानते हैं इसको, पता क्या बोल रही नानी, क्यों कर रहे हैं आपसे गंदे काम, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्यों ऐसे आ गया है, हैं? उठो, कुछ है क्या गड़बड़, देखो जरा इसके कुछ है क्या गड़बड़, कौन है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये ना कुछ छुपा छुपा सा लग रहा है, छुपा रुस्तम सा लग रहा है, कुछ तो है गड़बड़, ओ माय गॉड, हमारा बेबी हमसे कुछ छुपा रहा है, हमारा बेबी हमसे कुछ छुपा रहा है, मम्मा से पंगा है, मम्मा से पंगा लेगी, अच्छा पिचाचू पिचाचू पिचाचू, ओली मेली मम्मी रजाई उठा के जा रहे हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पे नहीं सोएंगे, और ये हमने एंट्री ले ली है दूसरे रूम में, क्योंकि आज रूही के नाना घर पे नहीं है, इसलिए रूहान अपने नाना के रूम में कब्जा जमा रहा है, थोड़ा सा कब्जा जमा रहा है, तो आज हम यहाँ सोएंगे, है ना, है ना, है ना। ओह माय गॉड, पापा कहाँ गए आपके, कहाँ गए हैं पापा, तो दोस्तों इसके पापा फिलहाल अभी चंडीगढ़ पहुंचे हैं, वो जा रहे हैं दिल्ली, सुबह यहाँ से गए थे, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे वहाँ पे, रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए वो अपनी बहनों के पास गए हैं और अपने भाइयों के पास मैं आई हूँ। ऐसे ऐसी गप्पे हैं, तो चलो अपने अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक हमारी वीडियोज को प्लीज ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और रुहान को ढेर सारा प्यार दें, किच्छी कैसे करते हैं, बिचकी हूँ, ये तो सेब खाने में बिजी है जब से इधर आया है, तो है ना।